हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज जो है हम लोग गिरी जी से बात करने वाले थे। गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, तो वो बायोलॉजी से अपनी पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, वो बायोलॉजी का जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी जो मास्टर्स की है वो NIT रोरकला से की है। तो अभी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने आपको पीएचडी में एनरोल किया। बिना देरी किए हम अभी अपना इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, थैंक यू। तो गिरी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे बायोलॉजी में जो मोड ऑफ एंट्री है वो क्या क्या पॉसिबल है? आप किस किस एग्ज़ाम के थ्रू या कैसे कैसे आप पीएचडी में एनरोल ले सकते हो अपने आप को? बेसिकली देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री। पहला है गेट, विच एवरी वन नोज। गेट तो भाई ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, विच एवरी वन कैन गिव, हिंदी या इंग्लिश, ओके। सो थ्रू दैट इज़ वन वे ऑफ एंट्री, वेयर द स्कॉलरशिप विल बी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड इट द स्टाइफंड वगैरह यू विल गेट फ्रॉम कॉलेज, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। पर देर आर अदर मोड्स ऑफ एंट्री लाइक CSIR नेट क्लियर करना होगा आपको, दैट इज़ एन अनदर मोड ऑफ एंट्री। एंड दैट्स अनदर मोड स्पेसिफिकली फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, जो जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है, वो एज अ बायोटेक्नोलॉजी डिग्री कैन गिव DBT एग्जाम, दैट्स DBT का नेट है, दैट यू कैन गिव। एंड इफ़ यू क्लियर एंड इफ़ यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ एंट्री थ्रू विच यू कैन एंटर। सो दिस थ्री मोड्स ऑफ एंट्री आर देयर एज ऑफ now, that as of I know, but if there are people with some other specific scholarships or PMR of scholarships, or if there are any other specific scholarships to any specific person available, they can also like to enroll. It's that. अच्छा स्वागत नाथ जी, आप ये बताइए कि जैसे आपका जो इंटरव्यू होता है बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो आपका इंटरव्यू के टाइम पे ही आपका गाइड सिलेक्शन वगैरह हो जाता है या उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, मतलब गाइड सिलेक्शन का? दैट इज बेस्ड ऑन विच डिपार्टमेंट यू एनरोल। लाइक फॉर एग्जांपल देर आर सिक्स बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट आर हियर, ओके, अंडर वन बायोलॉजिकल साइंसेज डिविजन यूनिट। फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक, एक ही बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा MRDG, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, न्यूरोलॉजिकल साइंसेस एंड बायोफिजिक्स यूनिट। देर आर सिक्स डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट हैज देयर ओन स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस टू गेट एन एंट्री। फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक बायोकेमिस्ट्री एज ऑफ नाउ, after first interview there are two set of interviews that we will talk later. So after first set of interview, if you get clear the first set of interview, then you will go to the second set, and in the second set you can visit the lab, each lab you can go. I don't know as of now because I guess there are these online things are going on, but when I joined I get to visit each labs and talk, interact with each members, and then based on that I get to choose ki which lab I can use. Usually we give 5 preferences, and based on the preference, after the second interview, if you clear the second interview, then you based on the position that you got and based on the availability in the lab, you can choose. But in some other labs like MCB, I presume last year, I guess they have changed to rotation. You get an entry and after 6 months you have to rotate in each lab. For example, int PhD aap lenge, so they have to rotate. If you are joining as an int PhD student or even a PhD student in microbiology, I mean MCB, so those students get to rotate each lab. Which lab they want to join, they have to give their option and they have to rotate. Like you have to be there for I guess 3 to 4 weeks. Sorry. I will check it and let you know later, but you have to do a specific period of time, you have to work that in the lab, and if that lab likes you and you like the lab, then yeah, you can talk it out and you can work it out, and then you can join the lab for your PhD. Basically it's one semester is entirely for just rotation, so that you can get to know about the department, and then you can start your work from the next semester. That is in some other departments, like those kind of entries are in MCB, सेंटर फॉर न्यूरोलॉजिकल साइंसेस, दोस्त। अच्छा तो स्वागत नाथ जी, ये बताइए जैसे आपने अभी बताया कि 6 यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट हैं आपके,
बायोलॉजिकल के अंदर, तो सभी का एक कॉमन इंटरव्यू होता है या सभी में अलग अलग आप अप्लाई करना होता है आपको? सबको अलग अलग। फॉर इंस्टेंस आई परस्यूम कि जब मैं अप्लाई किया था, आई ईच एप्लीकेशन यू कैन गिव थ्री चॉइसेस, राइट? यस यस थ्री यस चॉइसेस आप दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको 6 में ही अप्लाई करना है तो यू बेसिकली हैव टू सबमिट टू एप्लीकेशंस फॉर ईच। एंड बेसिकली फॉर इंस्टेंस देर आर अदर, इन माई केस फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक फ्रॉम NIT राउरकेला, वी डोंट जस्ट हैव बायोटेक्नोलॉजी, देर इज ऑल्सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वेर द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इंटरमिंगल्ड विथ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स। दे वर्क ऑन लाइक स्पेसिफिक मटीरियल्स टू बी यूज इन एनी स्पेसिफिक कंडीशंस, ऑपरेशंस के लिए जो जो स्पेसिफिक मटीरियल्स यूज़ करते हैं उसकी वो उसकी बारे में दे स्टडी इन NIT राउरकेला। सो एंड देर आर पीपल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हु ऑल्सो स्टडी दोज काइंड ऑफ वर्क्स, एंड पीपल आर इन मटीरियल इंजीनियरिंग ऑल्सो दोज पीपल्स ऑल्सो स्टडी दोज काइंड ऑफ वाट टाइप ऑफ मटीरियल टू बी यूज, दोज काइंड ऑफ स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन। सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और वेरी यू शुड नो लाइक टू बी अ हार्ड कोर बायोलॉजी, यू डोंट हैव टू बी, एंड यू कैन ऑल्सो टेक सर्टेन लैब्स इन मटीरियल्स इंजीनियरिंग इफ यू टेक। सो दो देर आर टू लैब्स आई गेस आई फॉरगॉट द नेम, दे दोज पीपल वर्क ऑन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दी 6 बायोलॉजिकल साइंसेस यूनिट, वेर दे स्पेसिफिकली वर्क ऑन वेरी स्पेसिफिक मटीरियल्स दैट आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, लाइक वॉट काइंड ऑफ मटीरियल्स टू बी यूज इन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अच्छा, तो स्वागतनाथ जी ये बताइए कि जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जो बायोलॉजी में जो इंटरव्यूज हैं वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं, कितने बेसिक से वो लोग स्टार्ट करते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू में आने से पहले? ओके, दैट इज़ वन गुड थिंग। बेसिकली इन एटलीस्ट इन बायोलॉजिकल हमारा वो एटलीस्ट आई कैन आंसर फॉर टू डिपार्टमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी एक है और दूसरा बायोकेमिस्ट्री। आई कैन आंसर फॉर दीज टू डिपार्टमेंट्स, बाकी डिपार्टमेंट का भी ये मैक्सिमम चलेगा। बट द थिंग इज ईच बायोलॉजिकल साइंसेस इंटरव्यू हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इंटरव्यू फॉलोड बाय सेकेंड इंटरव्यू। यू हैव टू क्वालिफाई द फर्स्ट इंटरव्यू टू गो टू सेकेंड इंटरव्यू। सो फर्स्ट इंटरव्यू आपको बेसिक सवाल पूछा जाएगा, लाइक फॉर इंस्टेंस दे विल आस्क यू, इच इंटरव्यू पैनल हैज 4 मेम्बर्स, बट नाउ देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग सिंस इट इज ऑनलाइन। बट इन जनरल इन फर्स्ट इंटरव्यू में क्या होता है, पीपल विल आस्क यू टू गेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देन दे विल आस्क यू, द प्रोसेस विल आस्क यू फॉर 3 बेसिक सब्जेक्ट्स, लाइक फॉर इंस्टेंस यू आई हैव गिवन इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्युलर बायोलॉजी and cell biology, these 3 I have given, and in the first interview only from these 3 questions I got questions. So that is like you have to prepare yourself for any like 5 to 6 specific topics that you are so thorough, and give them the topic or subject that you are very good at or very confident that you can answer it. That is the first interview. And if you go to second interview, the second interview is basically application basis, whatever, like they will give you a specific scenario, the very specific conditions, and you have to design experiments for that conditions or that specific scenario to get the intended inference or results or outcome. So they will ask you, how will you design an experiment? For instance, I will give you 2 examples for both first and second interview. For instance, I get asked about in first interview, like in one of the questions that I faced is, what is Bohr effect in like, you guys know about Bohr effect, right? In oxygen concentration, like how oxygen saturation in hemoglobin ka oxygen saturation ki kaise hota hai, and what is Bohr effect? That is straightforward simple question. That is in the first. Interview. However, if you go to second interview, you will get to face like lot of. I'll give you an example. You guys know, right, how the proteins are get phosphorylated. Different cell cycle mein different proteins phosphorylation hota hai. That is one of the post translational modification. So, the question was not which protein gets phosphorylated. The question was,
यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस स्पेसिफिक प्रोटीन गेट्स फॉस्फोरिलेटेड एट अ वेरी स्पेसिफिक सेल साइकिल फेस. हाउ विल यू नो दैट? दैट वॉज द क्वेश्चन. नॉट कि विच प्रोटीन गेट्स फॉस्फोरिलेटेड, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन आई फेस्ड वॉज आई हैव टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट वेर आई हैव टू सी वेदर अ स्पेसिफिक प्रोटीन गेट्स फॉस्फोरिलेटेड आर नॉट, एंड नॉट जस्ट फॉस्फोरिलेटेड, एट वेरी विच स्पेसिफिक सेल साइकिल स्टेज दैट द प्रोटीन गेट्स फॉस्फोरिलेटेड. दैट एंड हाउ विल यू सी दैट? दैट वॉज द क्वेश्चन दैट आई फेस्ड. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चन. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वॉट इज वॉट एंड यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन, और बेसिकली यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन वॉट इज वॉट. हाउएवर इन द सेकेंड फेज यू नीड टू नो कि वॉट आर द एक्सपेरिमेंट्स यू नीड टू डू टू गेट अ स्पेसिफिक आउटकम्स. फॉर इंस्टेंस हाउ विल यू डिजाइन, देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी दैट आई कैन गिव यू. फॉर इंस्टेंस यू हैव अ 12 अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड यू नीड टू गेट अ डेवलप एंटीबॉडी टूवर्ड्स इट्स. हाउ विल यू डेवलप? दैट्स अनदर. इट माइट लुक ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यू कैन नॉट डेवलप टोल एंटीबॉडी फॉर 12 अमीनो एसिड सीक्वेंस. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू गेट अ एंटीबॉडी फॉर दैट 12 अमीनो एसिड सीक्वेंस. सो हाउ विल यू डू इट? सो यू मे थिंक दैट, सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव टू थिंक एक्स्ट्रा टू, आई मीन हाउ विल यू अचीव अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, दैट इज द सेकेंड इंटरव्यू. ओके, तो आपने ये काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे बच्चों को. तो अभी मैं देखिए, मैं एक जो अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर बाय चांस आप बायोलॉजी में किसी भी स्ट्रीम में आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, ओके, और आप इंटरव्यू में स्टक कर गए, आपसे स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ ले गए जो आपको नहीं आ रहे हैं या वो फील्ड आप नहीं पढ़ के आए हो, ओके, तो उस सिचुएशन में इंटरव्यू को हैंडल कैसे किया जाए? ओके, दैट इज गुड. फर्स्ट, अगर नहीं पता है जस्ट टेल देम नहीं पता है. जस्ट से नो आई डोंट नो द आंसर सो दैट यू कैन मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, सो दैट यू डोंट वेस्ट. बिकॉज बेसिकली यू डोंट जस्ट गिव इंटरव्यू, दैट इंटरव्यू इज एक्चुअली टाइम्ड. ईच इंटरव्यू हैज अ स्पेसिफिक टाइम. लाइक फर्स्ट इंटरव्यू का है 15 मिनट्स, सेकेंड इंटरव्यू इज 20 मिनट्स, एटलीस्ट 3 ईयर्स बैक. आई गेस द सेम कंटिन्यूस नाउ. सो इफ़ यू डोंट नो a specific question, then say don't know and move to the next question, because you will both save time as well as your impression on the professors. Because if you say something else and if it goes wrong and you then you wasted both the time as well as the question, so that is not a good aspect. So and basically you need to give them three in first interview, you need to give them three options, okay, on which subject you are strong at or which subject you are confident at to answer. So you, at least they will expect you to answer ki 80% of the questions, you whatever that comes in that stream or stream of subjects, you should able to answer that 80% of the questions, so that yeah, okay, this guy is confident. So that impression you have to create in the first interview. So if you don't know, then just say don't know and move to the second question. They will help you, of course. They will try to get the answer out of you. If you can reach the answer, then that is fine. But if you can't reach, you have no idea at all, then don't give the wrong answer. That will go against you. And for the second aspect, of course, it will be tough because there is no straightforward answer. You have to think and design something or give something that is going to be like, you have to think. It's not going to be a straightforward answer like what is mitochondria. That's not going to happen in second interview. So in that case, you have to be, you don't have to give directly that right answer right away. You have to try to reach the answer. That's the first thing, because people know ki it is not easy, but how are you approaching the question? That's the one thing people will see. And you need to approach a question on different aspects, different point of view, so that you can have a clear cut idea ki what is the actual problem and what are the things that I know with which I can able to solve it. So that kind of approach you should have for the second interview. And yeah, if they might give you clue, it's not like you will just be sitting there and blank. Of course, in second interview, some professors will help you to see how you are approaching the problem. If some professors like you, then they will obviously give you, based on your first interview, some professor actually will like you. So they will try to give you some hints or some kind of
clues for the second, like that specific question on how to approach the problem. So use that and try to reach and solve the problem, like one step at a time you reach and try to solve, rather than just hitting it straight on the answer in the second interview. ओके स्वागत नाथ जी, अब एक और चीज़ है जो मतलब हमारे व्यूवर्स को थोड़ा परेशान करती है कि क्या ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो लैंग्वेज है वो क्या आप ज़्यादा बैरियर समझते हो आपके इंटरव्यू के अंदर, कि मान लीजिए कि आपसे कोई भी एक क्वेश्चन किया गया, क्योंकि अब चूंकि आप एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे वो लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन या इट अगर इज ओके. आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो इंग्लिश में तो क्या वो आपके सिलेक्शन पे असर डाल सकता है? ना यू कैन आस्क दम विच लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश. यू देर इज नो हिंदी, इंग्लिश, तमिल. दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू आर गोइंग टू रिप्लाई इट इन इंग्लिश. दैट्स इट. इट्स स्ट्रेट. इफ यू वॉन्ट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन पोलाइटली आस्क देम टू रिप्लाई, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन आई गेट इट बैक, और कैन यू राइट इट डाउन, और समथिंग यू कैन आस्क. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, अभी स्वागत मान जी, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि आपके जो ये बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रिसर्च का माहौल किस तरह का है, और कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप अच्छे से यूज़ करके आप अच्छे अच्छे पब्लिकेशन निकाल सकते हो, अपने अपने रिसर्च करियर को अच्छा कुछ बना सकते हो? ओके. फर्स्ट यू नीड टू नो योर इंटरेस्ट. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट गो गिव इंटरव्यू एंड जॉइन. फॉर इंस्टेंस, इफ यू टेक इन आवर डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, यू हैव टू नो कि यू नीड टू गो एंड टॉक टू पीपल, एंड यू नीड टू नो एटलीस्ट वॉट इज वॉट. यू नीड टू हैव दैट नॉलेज इन बिफोर हैंड, बिफोर यू कमिटिंग टू एनीथिंग. देर आर पीपल, पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ. इट्स नॉट लाइक कि सैचुरेट हो चुका है, बट पीपल आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ स्टफ. देर आर पीपल इन अदर इंस्टीट्यूट्स, पीपल आर इवन ट्राइंग टू डू 3C 4C टेक्निक्स. यू कैन रीड इट अप. इन आर इंस्टीट्यूट पीपल आर डूइंग इवन आर एन ए सीक. इन आवर लैब वी हैव डन आर एन ए सीक. इट्स ओके. सो बट द प्रॉब्लम इज वन हैज टू ट्राई. यू हैव टू ट्राई टू रीच देर. इट्स नॉट लाइक यू ऑलवेज द प्रोफेसर इज गोइंग टू गिव यू अ पुश. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इन लैब सम प्रोफेसर्स विल गिव यू पुश, एंड सम लैब प्रोफेसर विल लीव यू टू डू. सो इट डिपेंड्स ऑन विच लैब यू आर गोइंग टू गो, एंड नॉट लाइक एवरी लैब इज गोइंग टू बी टॉप नॉच. दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. यू हैव टू, इट डिपेंड्स ऑन यूअर इंटरेस्ट ऑल्सो. ऑफकोर्स देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच डिपेंड्स ऑन PAs also, like how they are running the lab, how many people they are in the lab, and it also depends on how the seniors are in the lab. If you get a good senior in a good lab, then yeah, that is better than just be in a good lab. That is like, because they can teach you things that you know not a good lab can teach you, because seniors might have already failed on something and you know ki what they have failed, and you can correct right there. You don't have to repeat the same thing again for 100 times. So that is one good thing, and you need to, and you, one has to go and figure it out themselves. That is the only way. And in other departments like MCB and other CNS, you can, you have rotations, so you have time to see ki which lab you want to go, which lab has specific advantages, what are all the things that you can try, and which area interests you, though you can figure it out on the go in certain departments, like which has rotation basis. ओके, तो स्वागत नाथ जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, आपने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो उनके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है? आई होप सो. और मैं अपने सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जब भी आपके सर को टाइम होगा स्वागत नाथ जी को, तो वो ज़रूर की ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे, आपकी क्वेरीज़ का हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर हम इतना टाइम निकाल के लिए आपके लिए इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप आगे के इंटरव्यूज़ का भी फ़ायदा ले सकें। तो इसी के साथ हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे, आपके कल से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो अच्छे से इंटरव्यू दें, घबराएं नहीं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू. तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपने व्यूअर्स को? लुक, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, पीपल
पीपल विल गेट एंड पीपल विल नॉट गेट. इट्स नॉट लाइक कि एवरी वन हु आर अप्लाइज इज गोइंग टू गेट, बट द चांसेस यू हैव टू टेक चॉइसेस. यू शुड हैव मल्टीपल चॉइस. इट्स नॉट जस्ट IAC. यू हैव CCMB, यू हैव CF, DNA प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग दैट इंस्टीट्यूट, एंड देर आर IIT मैड्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे. सो यू नीड टू चूज लाइक इन प्रियर एंड देर आर इवन there are different Tata institutes also, I mean TIFR institutes. So you need to have before on knowledge ki where should I want to go, which lab should I want to choose, and how to approach each lab. So plan in prayer so that you can focus on very specific aspect and you can crack that interview. Because it's not like the same kind of interview is going to happen here and IIT Madras, because I know IIT Madras has a different way of interview. They have first written interview, I guess, followed by, I don't know about now, but the 3 years, 2 years back, they have a written interview followed by face-to-face interview. That's how they were there. And in other Bangalore, there are other institutes in Bangalore, I guess, I forgot the name. CSIR. हाँ टाटा इंस्टीट्यूट्स TIFR की. हाँ देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स. सो दे हैव फर्स्ट इंटरव्यू, देन यू कैन गो एंड एक्चुअली टॉक विथ पीपल इन द सेकेंड इंटरव्यू. दैट्स हाउ सेकेंड इंटरव्यू गोस. यू हैव टू टॉक एंड यू हैव टू कम्युनिकेट, एंड इफ बोथ ऑफ देम अग्रीज देन यू कैन चूज. दैट्स हाउ सेकेंड इंटरव्यू गोस इन सम अदर इंस्टीट्यूट. सो यू हैव टू नो बिफोर एंड नॉलेज और बिफोर एंड जिस अ स्मॉल आइडिया सो दैट यू कैन know ke how to approach someone. Because it's not like every time you answer something and you get it. It's not like that. You need to have specific knowledge, specific kind of idea where you want to go, how you want to approach. That those things actually will put you forward on above others who just giving their interview. Because if you have a prior hand knowledge on what people are working on, that will give you an edge over the others. So work on that also, and all the best. ठीक है, तो आज का इंटरव्यू हम इसी के साथ समाप्त करते हैं. तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर इंटरव्यूज. थैंक यू.